बच्चों वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट एक्सरसाइज जो है बच्चों आपको एक्सरसाइज 2.2 मैंने कंप्लीट करवाया है, राइट, जिसमें मैंने आपको जो स्टोरी सम्स था वो स्टोरी सम्स आपके साथ डिस्कस किया था और जितने भी स्टोरी सम्स थे वो सभी स्टोरी सम्स मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। आगे जो है बच्चों वो आज मल्टीप्लीकेशंस है, तो आज हम मल्टीप्लीकेशंस करना सीखेंगे कि किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी नंबर में 100 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर में 200 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 500 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो चलिए आज डू इट को कैसे आप सॉल्व करोगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सबसे पहले ए, राइट, कंप्लीट द सर्कल। इस सर्कल को आपको कंप्लीट करना है, कैसे देखिए आपको ये दे रखा है 5496। तो इसको आपको पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत बेसिक मल्टीप्लीकेशंस है, पहले आप इसे 4 से पढ़िए, है ना। 6 4 जा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो ये रिजल्ट आ गया। यानी इसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, 5496 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो रिजल्ट आएगा ना, 43968 आ जाएगा। ये बच्चों मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है जैसे कि इजी वे में हम लिख लिए, आप भी इसे मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद इसको फिट करना, ठीक है। अब आप यहां पे देखो 5496 है, तो पहले आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 0 लगा देना, ठीक है ना। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 109920 आ जाएगा, जब ये 0 लगा दे रहा लास्ट में, है ना। तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में 0 लगा दोगे तो 109920 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए 5496 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, उसके बाद फिर 0 लगा देना, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 2,19,840 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है, अब ये इसको कुछ तो मल्टीप्लाई करना नहीं, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डिजिट आ जाएगा, 2 0 लगा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा आप देखो 5,49,000, राइट, और क्या हो जाएगा 600, ठीक है। क्योंकि देखो ये हो जाएगा 5,49,000, ये हो जाएगा 600, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 0 और लग जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,64,880 आ जाएगा। तो ये आपका जो है सर्कल कंप्लीट हो गया, समझ आ गया क्या। पहले 4 से आपको मल्टीप्लाई करके दिया था, फिर 8 से किया, फिर 20 से किया, फिर 40 से किया, फिर 100 से किया, फिर 30 से किया, तो ये सर्कल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ आ गया, ओके। अब आप देखिए क्या है, बी में मल्टीप्लाई करना है। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई दे रखा है, 4,629 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, राइट, तो ये हो जाएगा आपका 32,403 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 9763, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो 5,846 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 52,614 आ जाएगा, ठीक है। तो आप मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है जैसे कि आसानी से इजी से हम लिख पा रहे हैं, आप भी इसे अच्छे से पहले प्रैक्टिस कर लेना रफ में, फिर आप इसे फिल करना, है ना, क्योंकि वैसे मल्टीप्लीकेशन करने लग जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। अच्छा, अब देखो 2,258 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, तो क्या आ जाएगा आपका 81,288 आएगा। आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 2,058 है तो आप इनको 36 से, जैसे 2 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करना आपको आता है तो आप ऐसे करके तब आप लिख सकते हैं, या फिर सिंपल मल्टीप्लीकेशन अगर आपको आता है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। अब देखो 9060 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लगा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3,62,000
400 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 3,62,400 आ जाएगा, ठीक है। अब 7,642 को 401 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ये आएगा आपका 3,64,442 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 1,345 को 512 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, राइट, 6,88,640, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। कब, जब आप 1,345 को 512 से मल्टीप्लाई करोगे। चलिए अब सी पार्ट को देख लेते हैं। देखो सी में कह रहा है राइट द प्रोडक्ट। अब 118 को आपको 200 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो बैठा दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो आप इसे करोगे तो 2 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, राइट, यानी आप इनको करोगे तो 23 और ये डबल जीरो बैठा दो तो आपका 23,600 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे कि 111 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आपको 5 से कर दो तो ये आ जाएगा और 2 जीरो बैठा दो तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका, है ना। थोड़ा सा आपको ट्रिक्स को भी समझना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिक्स लग रहा है, किस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 4,321 है तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 जीरो बैठा देंगे, है ना, तो बहुत इजी से हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पहले 1 हो जाएगा, राइट, 129,630, ये आ जाएगा आपका, ये आप चाहो तो इस तरह से कॉमा ले लो, 12,96,300 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो 4,121 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 जीरो लगा दो, राइट, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो ये देख लो, 9 से मल्टीप्लाई करके देख ले क्या, अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो चलो 9 ले लिया, ठीक है। अब देखो 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है, अच्छा 9 एक 10 के 0 हो गया हाथ में एक, ठीक है, 9 चौक 36 तो 137 हो जाएगा, है ना। तो ये देखो हमने इस डिजिट को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब 3 जीरो लगा दो, ठीक है, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कॉमा लगाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, 1,10,100,10,000,10,00,00,00,10,0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 0,
वैल्यूज आ जाएंगे। अच्छा अब देखो 6401 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6401000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो 6,40,100। अब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आप क्या करना, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो फिर जीरो लगा देना। तो जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1968 आ जाएगा, और 3 है तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19,68,000 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो आई कैन डू इट्स था, जिसमें आपको मल्टीप्लीकेशन समझना था कि कैसे किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे किसी नंबर को 100 से करते हैं, 200 से करते हैं, 500 से करते हैं, या रैंडमली किसी डिजिट से करते हैं, तो ये आपने सीख लिया, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।